नमस्कार, मैं अजय और भाई लकी डराने थे चेयरपर्सन के भी, वार्ड बंदी के भी, और कहीं ना कहीं अब की बार पार्षदों के भी। ऐसी भी इसी बार किसका रहेगा? तो वार्ड नंबर 28 से बोली उफ उमाकांत, नहीं उमाकांत उफ बोली। तो ये चेयरपर्सन की तारीफ कर रहे हैं, यानी कि वाइफ करूँ मैं, और एमसी ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं ये भी। तो अब पूछ लेता हूँ कि किस प्रकार से दौरे शुरू किए जाएंगे और किस प्रकार से इस चुनाव की गर्मी को सर्दी को पर ऐवी पड़ पाएगी। नमस्कार। नमस्कार जी भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया। तो बताओ किस प्रकार से तैयारी की जाएगी और किस प्रकार से अनुमान लगाया जाएगा? जी भैया, कल चंडीगढ़ डरा था, मैं भी वहाँ गया हुआ था, और पर्ची के थ्रू डरा निकला है और बड़े अच्छे ढंग से निकला है। वहाँ रिकॉर्डिंग भी थी, ऐसा नहीं था कि कोई कहे ये सेटिंग कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। पारदर्शिता काम हुआ, बिल्कुल पारदर्शिता। एससी है, बीसी है, जनरल है या लेडीज है, बिल्कुल पारदर्शिता हुआ है। और 9 वार्ड लेडीज हुए हैं, 2 बीसी है, 5 एससी और बाकी जेंट्स जनरल हुए हैं। और मेरा वार्ड 28 पड़ता है और मेरा जेंट्स हो गया है। मैं 28 नंबर वार्ड से ही इलेक्शन लड़ूँगा एमसी का, और मेरी मिसिज है वो चेयरमैन का, चेयरपर्सन का लड़ेगी। तो अब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो किस प्रकार से वोटों की मांग करेंगे और किस प्रकार से आप अपने वार्ड की दशा देखते हैं, क्योंकि पूर्व के पार्षद आप तो वर्तमान में थे ही नहीं। अब मैं पिछली बार एमसी था, मेरी मिसेज थी जैसे, तो हमने काम किए हैं और काम तो लोगों को पता है किए हैं, और अब 5 साल गए हैं वो भी लोगों को पता है काम किए हैं जिसने, जो एमसी है। तो डोर टू डोर जाएंगे और अपना वोट मांगेंगे। तो वार्ड की दशा का अध्यक्षता बोलिए, अपने वार्ड की बिलाल वहाँ पे जाएगा, समीकरण बनाएगा वोट के लिए भी और सब। वार्ड का मेरा एरिया बहुत लंबा हो गया है और बहुत अच्छा वार्ड हो गया है। तो अब की बार आपके वार्ड के अंदर कितना एरिया जुड़ा? मेरा एरिया जुड़ा है लगभग, ये देख लो चिड़ी मारी गली है। अच्छा जी। बर्तन बाजार से जी, वो पूरा जुड़ा है, भरसीपाना जुड़ा है। अच्छा। और नाइयों की गली जुड़ी है। अच्छा। रामदत्त की गली की जो एक एक लाइनें होती थी, दोनों लाइनें जुड़ गई है। अच्छा। पूरा एरिया हो गया है, मतलब अच्छा। काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि जब दो लाइनों में दो एमसी होते थे, काम करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी जी। तो अब दोनों सारी गलियाँ मेरे पास आ गई, तो काम करने में भी दिक्कत नहीं आएगी जी। अगर जनता मेरे को मौका देती है तो अब की बार पब्लिक के बीच में जाएंगे क्या? तो अनुमान आप लगवाएंगे पब्लिक से, और क्या आप उनको आश्वासन देंगे कि मेरे को बनते ही अब की बार वार्ड में ये काम होंगे? जनता को मेरा पता है, मेरा वार्ड पुराना है, पहले भी मैंने यहाँ काम किया है, पब्लिक को पता है मेरा काम करने का भी पता है। मैं कभी भी किसी को सरकारी दफ्तर में नहीं लिख जाता, मैं उनका काम घर बैठे करता हूँ जी। तो आपके वार्ड में समस्या कितनी है, क्या क्या समस्या देखते हैं जो आपके पार्षद बनने के बाद में जो मूलभूत सुविधा दूर होंगी लोगों की? कुछ सीवरेज की व्यवस्था ख़राब है, एक तो उनको ठीक करूँगा। अभी मैंने 3 दिन पहले भी गाड़ी बुलाई थी सरकारी जी, आई थी वो, आई थी तो वो, हाँ मैंने अच्छा, वो आपने बुलाई थी वार्ड के लिए? मैंने वार्ड के लिए अच्छा। बुलाई थी और मैंने वार्ड की सफाई, उस सीवर की सफाई कराई। अब पानी नहीं बह रहा, आप देख सकते हैं जी, जी, जी। पार्क के पास था जो बंद थे, वो सारे मैंने सीवर खुलवा दी है। और साथ में मैंने दूसरा लगते वार्ड जी कमेटी मोहल्ला है, उसके सीवर भी बंद थे, मैंने वो भी खुलवा दिया। अच्छा, वाजिबा, क्योंकि गाड़ी आई हुई थी। देखो हम ही रहते हैं वहाँ भी, हमारा ही जानकार है, भाईचारा वहीं है, सभी रहते हैं। देखो ये नहीं है कि मैं मेरे वार्ड के लिए, मेरी कोशिश रहती है जहाँ तक मेरा काम उसके, और रही चेयरमैन की बात, अगर जनता चेयरमैन नहीं, अब अपना दूसरा काम बताओ वार्ड के लिए। एक तो होगा सीवरेज का होगा, आपने करवा दिया, अब दूसरा काम क्या होगा? पैटर्न होगा जो मैं बनते ही बोली हूँ काम पहले कौन की वो करेगा? लाइट की व्यवस्था क्या मानते हैं आपकी, इनर पानी की व्यवस्था क्या मानते हैं वो बताएं? रोड की लाइट की व्यवस्था खराब है। अच्छा। कम लाइटें हैं तो लाइटें भी पूरी करवाएंगे और लगवाएंगे। अच्छा। और रही पानी की लगभग सी तो दूर है, कुछ अच्छा। थोड़ी बहुत है, जैसे नया एरिया जुड़ा है, अब नए एरिया में जाएंगे तो वहाँ की कमियाँ देखेंगे। तो जैसे मैंने मेरे वार्ड में किया था, जो नया एरिया जुड़ा है मैं उसको भी मेरे वार्ड का जैसा ही बनाऊंगा। और जनता अपने मुँह से कहेगी। हाँ, गलियों का व्यवस्था क्या देखते हैं? गलियों की कुछ गलियाँ हैं जो टाइलें बिछी थी, अब थोड़ी हटी हुई है, तो वो थोड़ा ढंग से हो जाएगा, उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। अच्छा। तो मैं सारे काम करूँगा, यानी अपने दिमाग में ठान के रखे हुए हैं ये सारे काम करने हैं? बिल्कुल करने हैं। अच्छा। जनता मौका दे या ना दे, फिर भी मैं कोशिश है कि पूरा काम, किसान से बड़ा होया, जनता मौका दे या ना दे, फिर भी काम करने, काम बिल्कुल करूँगा। यानी बोलेंगे तो 24 घंटे खुले रहेंगे। विश्वास बोली कितना वार्ड के लोगों के ऊपर कि जनता विश्वास जताओगे, मौका देगी? वो जनता का रही फैसला, जब
इलेक्शन तो आप भी करोगे जनता के लिए? जनता के लिए मैं सारे काम करूंगा। अच्छा, पिछले 5 साल से कर भी रहा हूँ, जितना मेरे पे बन पड़ता है आगे भी करता रहूंगा। अब मैंने सुबह एक वीडियो देखी थी, कोई बच्चा बीमार था अनवांडा ने, आपने वो वीडियो बनाई थी, और बच्चे की हालत ज्यादा खराब थी और घर की पोजीशन भी उनकी ज्यादा खराब। फिर मैंने उनके पास फोन किया था, उन्होंने आया तो मैंने उनसे पूछा था, भी आपको सहायता क्या चाहिए जी, जैसी भी चाहिए। तो बोले जी ADC साहब ने बहुत किया है, और एक दो नाम लिए उन्होंने, और वो आज वो चंडीगढ़ जाने की कह रहे थे, BPGI में उनका इलाज है। तो मैंने पूछा भाई दवाइयाँ चाहिए या और कुछ सहायता चाहिए या आर्थिक पैसा चाहिए? बोले जी अभी तो फिलहाल तो पैसे की मदद हो जाती है ना, तो माजी पैसे की मदद कर देंगे आपको जिस टाइम भी जरूरत हो। मैंने आपको नंबर फ़ोन कर दिया, मेरे को कॉल कर देना, आप खाते में कहेंगे खाते में डालेंगे, जितनी भी सहायता उसकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सहायता करूँगा। तो मान सकते हैं कि बोली अपने वार्ड के लिए तत्पर रहेगा, वाइफ को रूम में भी वाइफ को पसंद से लड़ाया जाएगा या फिर आप घोड़े वोड़े लड़ाएंगे? बिल्कुल लड़ाएंगे। बोली फिर तभी कहते बैठ जाए बाबा भी लेके? ना 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 ऐसी बात नहीं है, 100% लड़ाएंगे इलेक्शन चेयरमैन का। अच्छा, क्यों नहीं लड़ाएंगे? लड़ाएंगे, मन बना लिया? मन तो 7-8 महीने से बना रखा पूरा, यानी उखड़े मुझे दे दिया, मुसल डरूंगा नहीं। मुसल से क्या डरना है, वोट जिसने मेरे को देने हैं वो मेरे को देगा। देगा नहीं, फिर क्षेत्र में बड़ा नहीं हो जाएगा, जैसे कि बाबे के लिए वोट मांगने पड़ेंगे, फिर आपके लिए वोट मांगोगे? कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, नाम का नहीं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास है, विश्वास छुट्टी कैसे के लोगों पे? बिल्कुल है, मैं डोर टू डोर तो नहीं कर सकता शहर का, लेकिन गलियों में जाके मीटिंगें कर सकता हूँ। 20 आदमी कहीं मिलेंगे, 50 कहीं मिलेंगे, 10 कहीं मिलेंगे, 100 कहीं मिलेंगे, और मैं एक बड़ी मीटिंग भी करूँगा मेरे यहीं ऑफिस के पास ही बुलाऊँगा, तो मैं इस बात से घबराता नहीं एरिया की कोई बात। तो वो घर का कर गा कि काका भाई भाई लिखनी आप तो बहू बैठे चेयरपर्सन में MC पर्सन में काम करेगा, बल्ले बल्ले कर दोगे? तो देखो पब्लिक बिठाएगी, तो पब्लिक बिठाओगी, बिठाओगी पब्लिक। चलो भाई ये विचार थे बोली पार्षद के, भाई पार्षद बनाना है नहीं बनाना वो पब्लिक के हाथ की बात है, लेकिन प्लान बनाया हुआ कि ये काम करने हैं, और वाइफ को भी चेयरपर्सन चुनाव लड़ना है, और इसको बंदे को MC का चुनाव लड़ना है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।